नमस्कार दोस्तों, मैं लीना स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल माय सिंपल होम गार्डन पर। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स कुछ मनी प्लांट डेकोरेटिव आइडियाज़। मैंने मनी प्लांट को फ्रेंड्स डिफरेंट तरीके से जो है शेप दिया है और उनको सजाया है, और कुछ मैंने इसमें कबाड़ का भी यूज़ किया है फ्रेंड्स। तो वही सारा कुछ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैंने किस तरह से इनको बनाया है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का ये जो था, ये देखिए तार का इस स्क्वायर शेप में मेरे पास में फ्रेंड्स काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था। मुझे नहीं पता ये किस चीज़ का है, पर एक रखा हुआ था तो मैंने फ्रेंड्स इसे भी अभी ये गार्डनिंग के लिए ले लिया है। देखिए इस तरह से ये स्क्वायर शेप में बना ही हुआ था। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये रस्सी, तो ये काफ़ी पुरानी हो गई है, नारियल की रस्सी ये भी पड़ी हुई थी फ्रेंड्स। ये देखिए कबाड़ के इसमें, इसे भी मैंने निकाल लिया है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह के छोटे छोटे DIY प्लांटर्स में ये मनी प्लांट को मैंने ग्रो करके रखा था। काफ़ी ज़्यादा देखिए इनकी हाइट भी हो गई है, तो इन्हीं का यूज़ मैं इस वाले जो DIY प्लांटर जो मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स, इसमें मैं इसको यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर जो नारियल की रस्सी है फ्रेंड्स, इसे मैं अच्छे से यहाँ पर पहले तो यहाँ पर ऐसे बांध लूँगी। बांधने के बाद में फ्रेंड्स इसको पूरा मैं इस तरह से इसको लपेटती जाऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो इस ये रस्सी अभी उतनी मजबूत नहीं है फ्रेंड्स, थोड़ी सी ये रस्सी पुरानी भी हो गई है। तो पहले एक जो है बेस में मैं ये मोटी वाली रस्सी को अच्छे से बांध लूँगी फ्रेंड्स। ये नारियल की रस्सी है, और ये जो रस्सी होती है नारियल की, इसमें जो मनी प्लांट वगैरह होते हैं काफ़ी अच्छे से फ्रेंड्स इसमें बढ़ते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको पूरी तरह से लपेट लिया, और ऊपर से फ्रेंड्स ये देखिए जो जूट वाली रस्सी होती है सुतली, मैं इसका एक जो है कवरिंग इसके ऊपर दे दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पहले मैंने ये नारियल की रस्सी से अच्छे से एक वो बना लिया है। अगर आपके पास में नारियल की रस्सी नई वाली हो फ्रेंड्स, अच्छी वाली रखी हो, तो आप उसके दो कोट भी बना सकते हो, दो कवर भी आप उसमें लगा सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास में ये रस्सी इतनी ही थी और पुरानी भी थी, तो इस वजह से मेरे पास में जूट की रस्सी तो रखी हुई थी फ्रेंड्स। तो उसका देखिए इस तरह से भी ऊपर से इसको लपेटते जा रही हूँ, तो इसका एक मैं कवर इसमें अच्छे से बना दूँगी। तो एक तरह से फ्रेंड्स एक हमारा ये मॉस्टिक जैसा ही तैयार हो जाएगा, स्क्वायर शेप का मॉस्टिक हम यहाँ पर इस तरह से बना लेंगे। और इसमें जो है देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं लपेटते जा रही हूँ। देखिए ये लपेटने के बाद में इस तरह से ये दिख रहा है फ्रेंड्स। देखिए अभी काफ़ी मोटा हो गया, और अभी इसमें जो हम मनी प्लांट लगाएंगे फ्रेंड्स, तो मनी प्लांट काफ़ी अच्छे से इसके अंदर जो है फ्रेंड्स हमारा फैलते जाएगा, अच्छे से इसमें ग्रो होते जाएगा, इसके रूट्स है काफ़ी अच्छे से इसमें से आसानी से चले जाएंगे, और जूट की रस्सी में और इसमें काफ़ी अच्छे से मनी प्लांट हमारे ग्रो होते रहते हैं। यहाँ पर ये छोटे छोटे प्लास्टिक के बॉटल में जो मैंने मनी प्लांट को ग्रो करके रखा है फ्रेंड्स, तो उसे देखिए मैं नीचे में इस तरह से इसके नीचे में यहाँ पर ये देखिए रस्सी को कट कर दूँगी, और यहाँ पर मैं इस तरह से इनको बांध दूँगी फ्रेंड्स। ये देखें, और ये वाला जो बना रही हूँ फ्रेंड्स मैं, ये हैंगिंग ये जो प्लांटर यहाँ पर इस तरह से DIY, तो इसे फ्रेंड्स मैं ऊपर जैसे दीवार से हैंग करूँगी, तो इसलिए भी मैं इसे जो है नीचे से बांधूँगी। और ये जो मनी प्लांट की जो बेल आ गई है फ्रेंड्स, देखिए इसको इस तरह से मैं इसको इस तरह से लपेटते जाऊँगी, और इसे भी फ्रेंड्स हमें बांध देना है अच्छे से, ताकि ये जो हमारी जो मनी प्लांट की जो बेल है फ्रेंड्स, ये अच्छे से इसमें टाई हो जाए। ये जैसे हम इसे हैंग करेंगे तो ये निकलेगी नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैं इसे बांधते जा रही हूँ। ये देखिए काफ़ी लंबी लंबी ये ब्रांचेस हो गई है। देखिए फ्रेंड्स अच्छे से ऐसे इस तरह से हमें गोल 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 लपेटना है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो होते हैं एरे रूट्स होते हैं, तो जो रूट्स है इसके अंदर अच्छे से फ्रेंड्स चले जाते हैं, तो ये हमारा मनी प्लांट जो है काफ़ी अच्छे से बढ़ता है। और इसे जो घना होने में फ्रेंड्स कम से कम जो है 3 से 4 महीने का टाइम लग जाता है। 3 से 4 महीने में ये जो हमारा ये जो हमने बनाया फ्रेंड्स, ये मॉस्टिक जैसा ये पूरा ही ये जो मनी प्लांट है कवर कर देगा। देखिए इस तरह से मैं इसे इस तरह से इनको मैंने लपेट दिया है, और इस साइड से भी लपेट दूँगी, और ये ऊपर से भी फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी लंबी ये बेल है, तो इसे इस साइड से और ऊपर से भी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप जैसे आपके पास में पुरानी तार हो उसे फ्रेंड्स आप जोड़ के भी इस तरह से आप स्क्वायर शेप बना सकते हो, पर आपके जो 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 भी आप तार वगैरह लोगे फ्रेंड्स, तो वो थोड़ा मोटा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से, ये देखिए ये इस तरह से बनने के बाद में ये दिख रहा है। देखिए मैं ऊपर से भी इसे मैंने अच्छे से मनी प्लांट को लपेट दिया। ये देखिए फ्रेंड्स अभी मैंने इसे हैंग भी कर दिया है। ये देखिए इस तरह से सुतली की सहायता से मैंने इसे लटका दिया, और नीचे में ये पॉट देखिए, और अच्छे से मैं इसमें स्प्रे बॉटल से अच्छे से ये जो जूट हमने जो बनाया है ये
मॉस्टिक जैसा ये स्क्वायर शेप में। इसे अच्छे से मैं पानी दे दूंगी फ्रेंड्स, ताकि अच्छे से गीला हो जाए। मनी प्लांट के अंदर फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे से एयर रूट्स होते हैं, इसके अंदर में चले जाएंगे तो ये काफ़ी अच्छा घना हो जाएगा और दिखने में काफ़ी सुंदर लगेगा फ्रेंड। और देखिए यहाँ पर मैंने ये काफ़ी सुंदर सुंदर ये मैंने मनी प्लांट को इस तरह से डेकोरेट किया था फ्रेंड्स। और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने जो मेरे पास में पुरानी वाली जो तार रखी थी फ्रेंड्स एल्यूमिनियम की, वो वाली तार मैंने यहाँ पर यूज़ करे है काफ़ी दिनों से कबाड़ में। और इसका जो वीडियो है फ्रेंड्स मैंने किस तरह से बनाया, मैंने बहुत पहले फ्रेंड्स शेयर किया था 4-5 महीने पहले, उसका जो वीडियो का लिंक है फ्रेंड्स मैं वीडियो के एंड में आपको दे दूंगी, तो आप वहां से देख लीजिए मैंने इसे किस तरह से बनाया था। और अभी फ्रेंड्स मैं अभी इसलिए भी आपको दिखा रही हूँ, इस वीडियो में आप देख सकते हो कितना घना ये हो गया है। देखिए फ्रेंड्स पूरा ही इसने जैसे मनी प्लांट ने, ये देखिए फ्रेंड्स ओनली वायर है मतलब तार है, इसमें मैंने जैसे सुतली और जैसे कोकोनट की जो रस्सी होती है उसे मैंने किसी को भी इसमें नहीं लपेटा है, बस ओनली इसमें तार है फ्रेंड्स। देखिए आप देख सकते हो एल्यूमिनियम की जो तार होती है वो वाली, और उसी में मैंने इस मनी प्लांट को लपेट दिया था। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये जो पॉट है इसमें मैंने इनको फंसा दिया था, ये देखिए यहाँ से इस तरह से। तो एक को मैंने फ्रेंड्स इस तरह से मैंने पिरामिड वाला शेप दे दिया था, और एक में फ्रेंड्स मैंने राउंड शेप दे दिया था, तो इस तरह से मैंने। और ये देखिए फ्रेंड्स ये वाला जो था इसमें राउंड शेप दे दिया था। देखिए फ्रेंड्स देख रहे हैं आपको ये एल्यूमिनियम की ये जो तार है, और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरह से मैंने इसको ट्विस्ट करके इस तरह से इसमें फंसा दिया था, ये देखिए इस तरह से फंसा के। और मनी प्लांट जो है फ्रेंड्स इसको मैंने इसके जो बेल थी इसमें इस तरह से लपेटी गई, और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना घना हो गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये वाला तो इसने तो पूरा ही कवर कर लिया, इसमें मैंने हार्ट शेप दिया था फ्रेंड्स, पर ये देखिए पूरा ही ये बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा है शेप, ये देखिए कितना घना। तो इसके जो ब्रांचेस है इस तरह से मैं इन पर लपेटते जा रही थी, और फ्रेंड्स ये अपने आप ही ज़्यादा कुछ मैंने इसमें नहीं किया, बस इसको मैंने लगा के इस तरह से छोड़ दिया था, ये अपने आप ही इस तरह से ये जो मनी प्लांट है कवर होते जा रहा था। और यहाँ पर आपने देखा फ्रेंड्स मैंने कुछ भी इसमें जैसे सुतली वगैरह या फिर जैसे कोई भी जैसे रस्सी वगैरह नहीं लगाई है, नारियल की रस्सी, और जैसे और आप देख सकते हो ओनली तार में ही कितने सुंदर से इसमें शेप आ गया है, और मनी प्लांट भी हमारा काफ़ी अच्छे से हेल्दी से ग्रो हो रहा है। और देखिए इस तरह से मैंने इनको सेमी शेड में फ्रेंड्स रखा हुआ है। मनी प्लांट को अगर हमें अच्छे से ग्रो करना है फ्रेंड्स तो इसके हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है। हमेशा हमें मनी प्लांट को सेमी शेड में रखना है, बहुत ज़्यादा धूप में नहीं, मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन और उसमें पोरस हमें तैयार करनी है, उसमें कोकोपीट आप ज़रूर मिलाइए, अच्छे से हम खाद मिलाइए, और फ्रेंड्स इसकी मिट्टी हमेशा हमें मॉइस्ट रखना है। मनी प्लांट में हम जब भी पानी देंगे तो फ्रेंड्स उसके पत्तों के ऊपर भी हमें पानी का स्प्रे करना है, तो हमारे जो मनी प्लांट है काफ़ी अच्छे से ग्रो होते हैं। और आप देख सकते ये जो मैंने DIY बनाया है फ्रेंड्स ये भी 3-4 महीने में पूरा ही काफ़ी सुंदर ये भर जाएगा फ्रेंड्स, और ग्रीन ग्रीन बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में मुझे आपसे यही डेकोरेटिव आइडियाज़ मनी प्लांट के आपसे शेयर करना था। तो मेरी ही आज की जानकारी आपको कैसी लगी फ्रेंड्स तो मुझे कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। बाय फ्रेंड, टेक केयर।